हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से हम समय समय पर विशेष संतों का परिचय आप लोगों को देते आए हैं, उनका परिचय हम कराते आए हैं। आज उस श्रृंखला में हमारे साथ हैं 5 साल की उम्र में ही मठवासिनी धर्म बहनों के साथ जीने वाली, उनके द्वारा पालन पोषण पाई जाने वाली, लगभग 20 सालों तक प्रभु येसु का दर्शन पाकर उनके साथ घनिष्ठ संबंध में एक पत्नी के रूप में अपने आप को उनको अर्पित करके जीने वाली, कलीसिया की शिक्षाओं को और अपनी व्यक्तिगत प्रार्थनाओं को, यानी पूजन पद्धति और अपनी व्यक्तिगत प्रार्थनाओं को एक साथ जोड़कर पूर्ण रूप से घनिष्ठ संबंध में पवित्र त्रित्व के साथ जीने का एक अनुभव पाने वाली 13वीं सदी की महिला संतों में से महान संत कही जाने वाली, और कोई नहीं, केवल यही महिला संतों के बीच में महान कही जाती हैं, वो हैं जर्मनी में जन्मी संत गर्ट्रूड। तो आइए हम इस महान संत के बारे में हम जानेंगे और आखिरी में हम उनके जीवन से जुड़े 6 कार्य या 6 गुण जो इन्हें इतना महान बनाया उनको भी हम जानेंगे, ताकि हम उनके पश्चिम पर चलकर जो अनुग्रह, जो आशीष, जो वरदान ईश्वर से वो प्राप्त की थी, उन सबको हम भी प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारी इस यात्रा को। संत गर्ट्रूड महान कहलाती है। हम पुरुष संतों में बहुत सारे संतों को महान हम देख सकते हैं, जैसे संत लियो महान, संत ग्रेगरी महान, संत आल्बर्ट महान, ये सब जो कलीसिया के लिए जो सेवा कार्य उन लोग किए थे, इस कारण उनको महान कहा जाता है। उस श्रेणी में हम महिला संतों में से केवल एक संत को ऐसे पाते हैं, वो है संत गर्ट्रूड। इसलिए ये बहुत विशेष है। इनका जन्म हुआ था 6 जनवरी 1256 को जर्मनी में, और वो एक विशेष दिन भी था, प्रभु येसु का प्रकटीकरण का पर्व, अंग्रेजी में एपिफनी हम कहते हैं, उसी दिन उनका जन्म हुआ था और उनकी मृत्यु 1302 में हुई थी। हम अंत में उसके बारे में जानेंगे। जब महान संत संत गर्ट्रूड महान जन्मी थी, उस समय बहुत सारे महान संत लोग रहा करते थे। कौन कौन? असिसी के संत फ्रांसिस, संत डोमिनिक, संत थॉमस अक्विनस, संत बोनवेंचर। ऐसा एक समय था जब कलीसिया वास्तव में एक स्वर्ण युग में थी। उस समय हम पवित्रता की एक चरम सीमा को हम देख सकते हैं, और इन महान संतों के जीवन और लेख लोकधर्मियों को भी पवित्रता में जीने के लिए प्रेरित किया था। इसलिए इस समय जो गोल्डन एरा कहा जाता है कलीसिया का, स्वर्ण युग कलीसिया का, ये बहुत विशेष है, इसको हम हमेशा ध्यान में रखेंगे। संत गर्ट्रूड का पालन पोषण। 5 साल की उम्र में ही संत गर्ट्रूड को उनके माता पिता उनके शहर में जो मठ था, संत बेनेडिक्टाइन धर्म बहनों का जो मठ था, क्लॉइस्टर कॉन्वेंट था, वहां उनको लेके छोड़ दिए उनके पालन पोषण के लिए। तो 5 साल की उम्र में से ही धर्म बहनों के साथ, विशेष रूप से मठवासिनियों के साथ जो बाहर नहीं निकलती हैं कभी, उनके साथ रहकर उनसे पालन पोषण पाई थी, और ये उनमें विशेष रूप से ईश्वर के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े रहने, और इन सब से ज्यादा जैसे हम अब उनके विशेषताओं को हम देखेंगे, उनकी प्रतिभाओं को देखेंगे, उनमें वो बढ़ती जा रही थी। वो बहुत तेज दिमाग वाली लड़की थी और वो बहुत सारे कार्यों को बहुत जल्दी सीख जाती थी, जैसे ड्राइंग हो, अन्य बहुत सारे कार्य, इन सब के साथ एक विशेष एक गुण या प्रतिभा हम इनका कह सकते हैं, वो है भाषाओं को सीखने की। ये लतनी भाषा को बहुत जल्दी सीख गई, अन्य धर्म बहनों, अन्य महिलाओं की तुलना में ये बहुत जल्दी लतनी भाषा को सीखी, और बहुत सारे पुस्तकों को वो लतनी भाषा से अपनी मातृभाषा में उसका अनुवाद करके धर्म बहनों को, लोगों को ये देने लगी थी। लेकिन एक मजे की बात यह है, वो एक सदस्य नहीं थी धर्म बहनों की, वो बहुत देरी से ही लगभग 20 साल की उम्र में ही वो इन धर्म बहनों के साथ सदस्यता ग्रहण करके उस मठ की सदस्य बनी थी। पहले नहीं थी वो, केवल वहां उनके अधीन में रहकर, उनके पालन पोषण में रहकर, उनकी एक बहन के रूप में वो रहा करती, लेकिन एक धर्म बहन के रूप में, एक सिस्टर के रूप में वो सदस्यता ग्रहण की थी।
और इन्हें संत मैक्टिल्डे के अधीन में उनके देखरेख में इन्हें रखा गया था। अगली बिंदु में हम देखेंगे कैसे ये दुनियाई दृष्टि में ये प्रसिद्ध होने लगी थी, बहुत फेमस होने लगी थी। क्यों? इनके जो चित्र बनाने का, आर्ट्स बनाने की जो कला या प्रतिभा इनमें थी, और ट्रांसलेशन का, अनुवाद के जो गुण प्रतिभा इनमें थी, जैसे मैं पहले कह चुका हूं, ये सब लोगों को इनकी ओर आकर्षित किया। इनको देखने के लिए, मिलने के लिए लोग आया करते थे। इनके कार्यों को देखकर लोग बहुत इनका गुणगान करने लगे थे, तो इनकी प्रसिद्धि बढ़ती गई। ये कितने साल तक चला? लगभग 6 साल तक, 26 साल की उम्र तक इनकी ये जो दुनियाई प्रसिद्धि पाने का जो इनके अंदर जो चाहत थी वो बढ़ती गई। लेकिन 26 साल की उम्र में सब कुछ बदल गया। वो कहती है तब तक 26 साल की उम्र तक ये 6 साल के धर्म बहन के रूप में उनका जीवन एक प्रकार से केवल उनका जो हैबिट, उनका जो पहनाव, कपड़ा जो होता था उसके कारण और नाम के कारण कि वो धर्म बहन है, इन कारणों से ही वो एक धर्म बहन मानी गई थी। अन्यथा आंतरिक रूप से वो किसी भी तरीके से एक धर्म बहन के रूप में वो नहीं जी। ये उनके विशेष रूप से उनके लेख में, उनकी जीवनी में वो कहती है। लेकिन सब कुछ बदल जाता है प्रेम के साथ। प्रेम कहानी यानी प्रभु येसु के साथ उनकी प्रेम कहानी, आइए हम उसकी शुरुआत देखते हैं। 27 जनवरी 1281 को वो लगभग 26 साल की उम्र की थी। उस समय पहली बार प्रभु येसु संत गर्त्रूद महान को दर्शन दिए। ये कहा जाता है कि उनके पैर के नीचे से जमीन खिसक गया, सब कुछ बदल गया, उनकी पहचान सब कुछ बदलने लगी। वो प्रभु येसु के इस दर्शन से इतना प्रभावित हुई थी, वो सब कुछ बदलने के लिए तैयार हो गई थी। प्रभु येसु उनका दाहिना हाथ पकड़कर उनसे ये कहे, गर्त्रूद डरो मत, तुम मेरे पास वापस आ जाओ और मैं तुम्हें मेरे आनंद से पीने तुम्हें दूंगा। प्रभु येसु के ये कथन उनको पूर्ण रूप से बदल गया और वो अपनी जीवनी में लिखती हैं कि वो वहां प्रभु येसु के बगल में बैठकर उनके हाथों में जो छेद थे कील के कारण उनको देख के ही रह गई। और इस दर्शन के कारण उनके हृदय में प्रभु के प्रति प्रेम उमड़ पड़ा। जैसे हम कोई बांध को खोल देते हैं तो क्या होता है, बाढ़ आ जाती है। तो ईश्वरीय प्रेम का बाढ़ उनके जीवन में आ गई, तो उनकी पहचान बदलने लगी, उनके जीवन का स्रोत बदलने लगा, उनका जीवन का कारण बदलने लगा, सब कुछ बदलने लगा। प्रेम के साथ प्रेम कहानी में हम अगले चरण में जाते हैं। वहां हम देखते हैं कि उनकी प्राथमिकताओं में बदलाव आने लगा। पहले संत गर्त्रूद ट्रांसलेशन यानी अनुवाद करने में समय बिताया करती थी, आर्ट्स वर्क में वो समय बिताया करती थी, लोगों के साथ मिलकर उनको सिखाने में समय बिताया करती थी। लेकिन अब उन सब कार्यों को त्यागने लगी और कंटेम्पलेशन के लिए यानी प्रभु येसु के साथ समय बिताने के लिए वो समय ज्यादा खर्च करने लगी। यानी उनके जीवन की उनके जीवन की प्राथमिकताएं, प्रायोरिटीज बदलने लगे, सब कुछ बदल गया। लेकिन एक प्रश्न हमारे मन में उठता है, क्या उनकी पवित्रता का कारण प्रभु येसु का दर्शन है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके जीवन का या उनकी पवित्रता का मुख्य कारण या उसका स्रोत है प्रभु येसु के लिए उनके हृदय में जो प्रेम था और लोगों के लिए भी जो प्रेम था। मैं जैसे पहले कहा, वो एक बाढ़ के समान प्रभु येसु के प्रति उनका प्रेम उनके हृदय में उमड़ पड़ा था और एक प्रकार से ये आग के समान जलने लगा था। और ये आग रूपी ये प्रेम, इसके आग को वो कैसे बनाए रखी? वो संस्कारों में, विशेष रूप से पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान, आराधना और अन्य संस्कारों में भी वो विशेष रीति से वो भाग लिया करती थी। इसके साथ साथ अपनी व्यक्तिगत प्रार्थनाओं के द्वारा उसमें भी विशेष रूप से पवित्र बाइबल को, ईश वचन को अध्ययन करने में, पढ़ने में और फादर्स ऑफ द चर्च जो महान संतों के लेख थे उनको पढ़ने में, मनन करने में, उनके जीवनी को, उनकी लेखों को, सीखों को अपनाने में ये बहुत समय बिताया करती थी। तो ये सब उनकी पवित्रता का स्रोत थे जो उन्हें पवित्र जीवन जीने में, येसु के प्रेम में बने रहने में मदद किए। इनके साथ साथ एक विशेष कार्य उन्हें ईश्वर के साथ जोड़ के रखा, वो है
प्रभु येसु के दुख भोग पर वो मनन चिंतन किया करती थी। तो ये तीन विशेष कार्य किया करती थी। पूजन पद्धति यानी संस्कारों में भाग लेने के साथ साथ, पहला है पवित्र बाइबल पढ़ने में, मनन करने में, दूसरा महान संतों की जीवन और लेखों को पढ़कर मनन करने में, उनके मार्गदर्शन में चलने में, और तीसरा प्रभु येसु के दुख भोग पर मनन चिंतन करते हुए प्रभु येसु के साथ समय बिताना। ये सब उन्हें आध्यात्मिक जीवन में और प्रभु येसु के प्रेम में बने रहने में मदद किए। मां मरियम के प्रति उनमें एक विशेष प्रेम था, जरूर उनके अंदर पहले से था, लेकिन प्रभु येसु एक दर्शन के समय संत गेत्रूद से प्रभु ये कहे, गेत्रूद मैं अपनी मां को तेरी मां के रूप में, तेरी रक्षक के रूप में मैं तुम्हें देता हूं, मैं तुम्हें उनके हाथों में अर्पित करता हूं, मेरी मां तेरा देखरेख करेगी, तेरी सुरक्षा का ख्याल, उसका प्रबंध मेरी मां करेगी। ये उनके जीवन में एक विशेष समय था। जैसे हम शुरू में ही देखे, संत गेत्रूद अपने आप को प्रभु की पत्नी के रूप में वो अर्पित कर चुकी थी, उनके साथ एक घनिष्ठ संबंध, वैवाहिक एक अनुभव को वो प्रभु येसु के साथ किया करती थी, इसको अंग्रेजी में मिस्टिसिज्म कहते हैं। और मां मरियम के देखरेख में, उनके संरक्षण में गेत्रूद का आध्यात्मिक जीवन और भी गहराइयों को छूने लगा। मां मरियम के साथ साथ हम देखते हैं इनका संतों के साथ जो सहभागिता के बारे में कलीसिया हमें सिखाती है, उसमें भी एक विशेष ध्यान ये दिया करती थी, विशेष रूप से प्रेरित संत योहन और संत मरियम मगदलेना, इन दोनों को वे विशेष रूप से प्यार करती थी और उनकी सहायता पाती थी। संत योहन इन्हें दर्शन दिया भी करते थे। इन दोनों को क्यों ये चुनी? क्योंकि ये प्रभु येसु के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े रहे, ये प्रभु येसु से ये दोनों भी बहुत प्यार करते थे और प्रभु येसु भी इन दोनों से बहुत ज्यादा प्यार करते थे अन्य लोगों की तुलना में। इसलिए संत गेत्रूद इन दोनों को अपने साथियों के रूप में वो चुनी थी और ये उनके आध्यात्मिक जीवन में बहुत विशेष समय भी माना जाता है, निर्णय भी माना जाता है। तो हम देख रहे हैं कि मां मरियम और संत लोग हमारे लिए क्या कर सकते हैं। और एक साल संत योहन जो प्रेरित थे उनके पर्व दिवस पर संत योहन इनको दर्शन दिए और इनका हाथ पकड़कर प्रभु येसु के पास वो लेके गए। क्या करने के लिए? वो बोले, जैसे मैं प्रभु के छाती में अपना सिर रखकर मैं आराम किया था, उनके प्रेम का अनुभव किया था, वैसे ही गेत्रूद चलो तुम भी आराम कर लो। और जैसे प्रभु येसु संत योहन को वो अनुभव दिए थे उस प्रेम का, उनके छाती में उनका सिर रखकर, वैसे ही संत गेत्रूद को भी वो अनुभव दिए और संत गेत्रूद प्रभु के छाती में अपना सिर रखकर उनके हृदय के प्रेम को अनुभव करने लगी, उसके धड़कन को अनुभव करने लगी। और उठने के बाद संत गेत्रूद संत योहन से पूछती है, योहन जब आप अपना सिर प्रभु के छाती में रखकर आप आराम किए थे, क्या आपको प्रभु के हृदय का धड़कन आपको सुनाई दिया? संत योहन मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ जरूर। संत गेत्रूद भी बोली, मुझे भी बहुत तेजी से उनके दिल का धड़कन मुझे बहुत सुनाई दे रहा था। अब संत गेत्रूद सब कुछ केवल और केवल ईश्वर की इच्छा के लिए जीने लगी थी, सब कुछ ईश्वर की इच्छा अनुसार। वो दो ही कार्य किया करती थी, प्रभु येसु के समान बनना और उन्हीं की इच्छा पूरी करना, केवल उनकी इच्छा पूरी करना, अपने लिए कोई अभी इच्छा नहीं है। जो भी कार्य वो किया करती थी सब कुछ प्रभु को अर्पित करते हुए ईश्वर की महिमा के लिए वो किया करती थी। और एक बार जब वो 45 साल की थी, उनकी मृत्यु के पहले प्रभु येसु उनको दर्शन दिया और उनसे पूछे, गेत्रूद तुम इस दुनिया में जीवित रहकर तेरे दुखों के द्वारा तू ज्यादा पुण्य कमाना चाहेगी या मरकर स्वर्ग आना चाहेगी? हम क्या कहते, आप क्या कहते? लेकिन संत गेत्रूद क्या कही पता है? हे प्रभु, तेरी योजना, तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरा हो जाए, इसमें मेरी कोई इच्छा नहीं है, जैसे तू चाहता है तू मेरे साथ कर। उसके बाद हम देखते हैं ईश्वर उन्हें और ज्यादा दुख दिए, किस लिए? लोगों को बचाने के लिए, क्योंकि हमारे दुखों के द्वारा हम लोगों को बचा सकते हैं, बहुत सारी आत्माओं को हम बचा सकते हैं। और कुछ महीनों के दुख के बाद प्रभु येसु उन्हें अपने पास बुला लिए। अब हम इस संत के कुछ विशेष पुस्तकों के बारे में हम जानकारी लेंगे। यदि आप इसमें रुचि रखते हैं
जरूर ये सब अंग्रेजी में आपको मिलेंगे। तो कुछ विशेष पुस्तकें हैं, पहला है द हेराल्ड ऑफ डिवाइन लव, जो कि उनकी जीवनी है। दूसरी पुस्तक है स्पिरिचुअल एक्सरसाइज, ये हमें उनके समान पवित्रता में जीने में ये पुस्तक मदद कर सकती है। तीसरी पुस्तक है द बुक ऑफ स्पेशल ग्रेस। तो ये सब पुस्तक, वास्तव में और भी बहुत सारी पुस्तकें वो लिखी थी, वो सब अब उपलब्ध नहीं है, बहुत सारे खत्म हो गए। तो आइए हम इस महान संत के जीवन से 6 गुण हम अपनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला है पवित्र यूक्रिस्त से प्रेम। इसके बिना हम कोई भी ईश्वरीय प्रेम का अनुभव और उस प्रेम में हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसको हम अपने जीवन के सबसे प्रथम स्थान हमें देना ही होगा, यदि हम पवित्र जीवन जीना चाहते हैं और संत गर्ट्रूड के समान हम प्रभु येसु के साथ जुड़े रहने का यदि अनुभव करना चाहते हैं तो हमें इसको अपनाना है। दूसरा है, हमें एक बैलेंस लाना पड़ेगा। हम बहुत सारे लोग, आप और मैं भी, हम बहुत व्यस्त रहते हैं, बहुत सारे कार्य करते हैं, लेकिन हम ईश्वर के साथ समय नहीं दे पाते हैं प्रार्थना में। तो अंग्रेजी में हम देखते हैं कंटेम्पलेशन कहा जाता है, इसके बारे में हम इसके पहले भी मैं आप लोग विस्तार रूप से समझाया हूं, जो कि केवल कुछ प्रार्थना करना नहीं है बल्कि ईश्वर की उपस्थिति में रहना। कंटेम्पलेशन और एक्शन यानी कार्य भी, अपनी जिम्मेदारियों को भी निभाना है, इन दोनों के बीच में हमें एक बैलेंस लाना पड़ेगा। ना तो केवल प्रार्थना प्रार्थना बोल के बैठे रहना है और ना कि केवल काम करते रहना है, हम दोनों के बीच में एक बैलेंस लाना पड़ेगा। तीसरा है, हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करना है। जैसे हम उनकी जीवनी से देखे, संत गर्ट्रूड दूसरों के लिए अपने दुखों को अर्पित किया करती थी, ईश्वर से हमेशा प्रार्थना किया करती थी। चौथा है, हमें प्रभु येसु के पवित्रतम हृदय की भक्ति में आगे बढ़ते जाना है। एक विशेष एक गुण हमें इनसे ये सीखना है, जो कार्य वो किया करती थी। जैसे हम एक घटना देखे, वो प्रभु येसु के छाती पर, उनके हृदय पर अपना सिर रखकर उसके धड़कन का अनुभव किया करती थी। ये अनुभव आपको और हमें भी ईश्वर दे सकते हैं, कब? जब हम भक्ति से, प्रेम से हम उनके साथ जुड़े रहेंगे। पांचवा है, हमें समय निकालना है। समय निकालकर प्रभु येसु के साथ जुड़े रहने के लिए हमें देना पड़ेगा समय। हमें इसके लिए इच्छा भी होना जरूरी है। केवल अच्छा जीवन जीना नहीं, केवल पवित्र जीवन जीना नहीं, बल्कि प्रभु येसु के साथ जुड़ने का एक अनुग्रह हमें प्राप्त करने के लिए इच्छा व्यक्त करना भी, मांग करना भी बहुत जरूरी है। छठवा है, हमें प्रार्थना के लिए निर्धारित समय देना पड़ेगा। हम 2-3 पॉइंट इसमें देखे प्रार्थना के बारे में, लेकिन निर्धारित समय हमारे पास होना है। इन्हीं सब कार्यों के द्वारा हम संत गर्ट्रूड को देखते हैं, वो महिलाओं में प्रथम केवल नहीं बल्कि एक ही संत जो महान कही जाती है, वो इतना पवित्रता की ऊंचाइयों को वो छू पाई थी। जरूर उनके मेहनत के कारण केवल नहीं है बल्कि ईश्वर के अनुग्रह के कारण। तो आइए हम इस महान संत को और भी गहरे रूप से जानने का प्रयत्न करें और इनको अपना साथी बनाएं, अपनी बहन बनाएं और इनसे हम सीखें, उनसे बातें करें। यदि हम उनसे बातें करेंगे, जैसे वो संत योहन्ना और संत मरियम मगदलीना के साथ बात किया करती थी और वे उन्हें सिखाए थे, संत गर्ट्रूड को वे सिखाए कैसे प्रेम में आगे बढ़ना है, तो हम भी संतों की सहभाग्यता को भी हम विशेष स्थान दें अपने जीवन में। यदि आप इसको नहीं समझ पा रहे हैं तो हमारे चैनल में विशेष एक वीडियो पूरा उसी टॉपिक पर है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, जरूर उसको भी देखिएगा। और हम और भी बहुत सारे संतों की जीवनी का वीडियो हम पहले भी बनाए हैं, उनका लिंक, उसका प्लेलिस्ट हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप एक बार उसको क्लिक करेंगे तो उसके अंतर्गत जितनी भी वीडियोस हैं सब आपके सामने आ जाएंगे। आइए हम संतों की सहभागिता में, उनकी संगति में, उनके साथ मिलकर हम ईश्वरीय प्रेम में, पवित्रता में आगे बढ़े और पवित्र जीवन जिए। ईश्वर आप सबों को विशेष आशीष और अनुग्रह प्रदान करें। चलते चलते जाने के पहले, यदि आप अभी तक वीडियो लाइक नहीं किए हैं, किसी के साथ शेयर नहीं किए हैं, अब तुरंत करिए। धन्यवाद।